मूछ रखने पर आदमी को मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पर व्यक्ति को अपमानित किया जाता है कि इस कारवां का लीडर किसको बनाया है, हुई जवर लीडर। और जब तक ये लोग वहां के ग्रास रूट के लोग इस मुहिम से नहीं जुड़ेंगे, जब तक मैं समझता हूं हम अधूरे। मैं पूछना चाहता हूं मंडल कमीशन की रिपोर्ट किन किन के घरों में है। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़ो सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। मैंने पहली बार देखा और वो डिस्क्रिमिनेशन क्या था कि हमारा नंबर केवल पानी खींचने वालों में रहता था, धाने में बैठने का अधिकार हमें नहीं था। उस दिन से ये सूल चुभी हुई है, ये उस दिन से मेरे विचार से जिस तरह से मेरे सूल चुभी हुई है, ये मंच पर बैठे लोगों के भी कहीं ना कहीं जरूर कोई सूल चुभी हुई है जब यहां बैठे हुए हैं और जब ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैं उस राज्य से आता हूं जब पानी के नाम पर विद्यार्थी को मार दिया जाता है। यहां भी एक भाई बैठा था कोली समाज से, मूछ रख रहा था, मुझे हैरत हो रही थी कहीं राजस्थान का तो नहीं है। मूछ रखने पर आदमी को मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पर व्यक्ति को अपमानित किया जाता है। उस देश में प्रकृति के संयोग से हमें जन्म मिला है। ये मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है कि आप किस मुल्क में पैदा होंगे, किस जाति में पैदा होंगे, किस धर्म में पैदा होंगे। मेरे विचार से आपके हाथ में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की देन है कि आपको कहां जन्म मिला है। पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आप बहुत बड़े नेता हो सकते हैं पर जहां आपकी नारगढ़ी है कभी उसकी आपने खोज खबर ली है क्या? यदि नहीं ली है तो मेरे विचार से आप अभी अधूरे हो, अभी और कुछ करने की जरूरत है। स्वयं से पूछिए कि जहां मेरा जन्म हुआ है उसके कल्याण में, उस समाज के कल्याण में, उस भलाई के, उस समाज की भलाई के लिए आपका कितना सहयोग रहा है, आप खुद ही से पूछिए। मैं मेघवाल समाज से आता हूं, राजस्थान की एक जाति है। हम सम्मान तो लेना चाहते हैं यहां से और वहां डिलीवर नहीं करना चाहते। ये कब तक चलेगा ये विचार तो करो आप लोग। मेरे से पहले डॉक्टर साहब मेरी बात को छीन करके कह गए। मैं कल से सुन रहा हूं जिन लोगों ने मुझे प्रभावित किया उसमें सबसे पहला आदमी महमूद त्राचा जी को मैं नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे पेज पढ़ने की बजाय समरी में कोई बात कहे वो अच्छा रहता है और उस समरी में दम है। विचार करना आप लोग, एक व्यक्ता जिसको मैंने नोटिस किया वो डॉक्टर जगदीश जी बिहार से, उन्होंने भी बारके की बात कही है। इसलिए मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप और हम सब से ही कि इस कारवां का लीडर किसको बनाया है, हुई जवर लीडर, नैतिक नेता जो हमें इस कारवां से आगे इस कारवां को ले जाएगा, वो नेता कौन है प्लीज, हमें हम उसको जानना चाहते हैं। मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूं, मैं कुछ प्रश्न करने आया था। अलवर जिले में लगभग 2500 गांव हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं और विशेषकर इस यह मंच पर जो लोग बैठे हैं उसमें यदि कोई यादव समाज के लोग हैं तो थोड़ा हाथ खड़ा करें। राजस्थान को दिल्ली को जोड़ने के बीच में हरियाणा का छोटा सा पार्ट आता है। मेहरबानी करके आप गुड़गावा, रेवाड़ी, अटेली, नारनौल, बावल इन जगह पर जाइए और अपने यादव समाज को जगाइए, ये बहुत जरूरी है। जब तक हिंदुस्तान में यादव जाति भी एक बहुत बड़ी तादाद में है
और जब तक ये लोग वहां के ग्रास रूट के लोग इस मुहिम से नहीं जुड़ेंगे, जब तक मैं समझता हूं हम अधूरे हैं। हो सकता है आप बहुत ज्यादा विद्वान हो, बहुत ज्यादा प्रज्ञावान हो, पर ये हमारा ग्रास रूट का अनुभव है। जब तक हर व्यक्ति को पता है कि मेरे इलाके की समस्या क्या है, आप सब लोग डॉक्टर हैं, बीमारी का डायग्नोज आप अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं, इस डायग्नोज को जो आपने चिन्हीकरण किया है उसको एकजुट बना करके और हमें लागू करना होगा। निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, कामयाब होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक लाइन आज से 31 साल पहले की बताना चाहता हूं। जब मैं एक सामान्य अध्यापक था विद्यालय में 1992 में, मैं पूछना चाहता हूं मंडल कमीशन की रिपोर्ट किन किन के घरों में है। जिनके यहां गीता बाइबल और रामायण है उनके घरों में मंडल कमीशन होना चाहिए, यदि आप ओबीसी मानते हो तो, और यदि नहीं है तो बिल्कुल फर्जी आदमी हो। मैं आपको छोड़े में कह रहा हूं, कहके जा रहा हूं, मेरे आप चाहे कुछ भी मानना, और फर्जी पड़ा चलता नहीं है जब तक आप हकीकत पे काम नहीं करोगे। इसलिए मंडल कमीशन को पढ़ो, भारत के संविधान को पढ़ो, जब आपको पता लगेगा कि हकीकत क्या है। आज से 500 साल पहले जो महामानव पैदा इस धरती पर हुआ, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। इस बहुजन समाज के लिए वो केवल चंद लाइन में पढ़ करके आपको रविदास जी की, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न।